आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। इन दिनों ताजनगरी में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो वहीं वैक्सीनेशन के लिए सीनियर सिटीजन में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को जिला अस्पताल में 91 साल के एक बुजुर्ग महिला ने भी अपना वैक्सीनेशन कराकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया। ताजनगरी में इन दिनों कुल 207 केंद्रों में से महज 18 केंद्रों पर ही लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की डोज लगाई गई, तो वहीं कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों वैक्सीनेशन कार्य बंद होने के चलते ज्यादातर लोग वैक्सीनेशन के लिए जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं। शनिवार को भी जिला अस्पताल में 600 से अधिक लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई। ये मामला नहीं है, ये जनता की जागरूकता का है और हम लोगों की चिंता है अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए। उसी के क्रम में एक वृद्धावस्था में एक महिला, माननीय महिला हमारे पास आई हैं जो सीओडी कॉलोनी की रहने वाली हैं। उनकी अवस्था 90 साल से ऊपर है और शरीर तो में अवस्था का असर भी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। हम उनको सलाम करते हैं और हमें ही उन्होंने मौका दिया, हमने उनको आज जिला अस्पताल में वैक्सीनेट किया। इस दौरान जहां एक और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर सीनियर सिटीजन में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए एक 91 वर्ष की बुजुर्ग महिला जिला अस्पताल पहुंची, जिनका वैक्सीनेशन के बाद CMS डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा ने फूल देकर स्वागत किया। पूरे जिले में थोड़ी सी क्यों शॉर्ट सप्लाई में है, वो शासन की तरफ से आती है, लेकिन जहाँ तक जिला चिकित्सालय की बात है तो ये प्राइम सेंटर है, तो यहाँ CMO साहब ने आश्वासन दिया है कि यहाँ कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू पर क्या कुछ कहना? ये शासन को निर्णय लेना है और ये निर्णय कोई अच्छा नहीं माना जाता कर्फ्यू लगाना, क्यों तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी पब्लिक की है। या पब्लिक कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करेगा तो शासन को बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इस दौरान डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा ने बताया कि जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और प्रतिदिन 500 से अधिक लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर 2 बूथ बनाए गए हैं, साथ ही वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों के लिए भी प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था की गई है। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।